हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर सब्सक्राइबर एनिमेशन बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इजी तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से एक अच्छा सा सब्सक्राइबर एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। YouTube सब्सक्राइबर एनिमेशन बनाने के लिए आपको अपने फोन के अंदर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को बहुत इजीली प्ले स्टोर से आके आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे इमेज साइज सेलेक्ट करना होगा। इमेज साइज सेलेक्ट करने के लिए टॉप राइट में 3 डॉट का एक निशान दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कस्टम पर क्लिक करना है, और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को चूज करने के बाद आपको ओके कर लेना है। न्यू टेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, न्यू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। टॉप लेफ्ट में डिलीट का एक बटन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सब्सक्राइबर एनिमेशन का जो सेव होता है, जो साइज होता है, अपने हिसाब से यहाँ पे आपको बना लेना है। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर एनिमेशन का कुछ इस तरीके का साइज होता है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, इससे आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रेडियस का एक ऑप्शन दिखेगा, रेडियस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से साइट का क्रॉप कर लेना है। आपने देखा भी होगा यूट्यूब वीडियो में कि उसका क्रॉपिंग रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये मेरा सब्सक्राइबर एनिमेशन का साइज हो गया, सेफ हो गया। तो इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, वीडियो में डालते वक्त, वीडियो में अप्लाई करते वक्त। तो कुछ इस तरीके से मेरा सब्सक्राइबर एनिमेशन का साइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको लोगो ऐड करना है, जो भी आपके चैनल का लोगो है। लोगो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो आपको मिडिल में दिख रहा है टॉप पे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे अपने चैनल के लोगो को ऐड कर देना है, जो भी आपके चैनल का लोगो है। तो ये मेरे चैनल का लोगो है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो इसको ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं राउंड कर देता हूँ। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इसका लोगो बना लेता हूँ। मेरे पास पहले से कोई लोगो नहीं है, वो इमेज है, तो मैं इसके लोगो को क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं डन कर लेता हूँ इसको। तो ये मेरे चैनल का लोगो है, मैं इसको अच्छे तरीके से जाके यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर एनिमेशन में मेरे चैनल का लोगो लग चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल का नेम डाल देना है। चैनल का नेम डालने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके चैनल का नेम है, आपको अपने चैनल का नेम डाल देना है। तो मेरे चैनल का नेम है जया टेक्निकल, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जया डालता हूँ। उसका डन कर लेना है आपको। यहाँ पे डन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसको अप्लाई कर देता हूँ। इसके कलर को आपको चेंज करना है या फॉन्ट को चेंज करना है, तो इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी कलर आप रखना चाहते हो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ओके कर लेना है, डन करते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर आपको इसको फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे फॉन्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जैसा फॉन्ट इसमें डालना चाहते हो डाल सकते हो। मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक स्टाइल का ऑप्शन है, स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने का इसको डन कर देता हूँ। फिर आपको जो भी साइज इसका रखना है, कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपके चैनल का जो सेकंड नेम है, टाइटल है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं टाइटल डाल देता हूँ यहाँ पर टेक्निकल, और उसके बाद आपको डन कर देना है। तो दोनों का एक सेम साइज रहेगा। यहाँ पर मैं टेक्निकल डाल देता हूँ, और इसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नेम डाल दिया, इसको आप और अच्छे तरीके से डाल सकते हो। मैं अगर इसको बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फॉन्ट वगैरह जैसा आपको डालना है अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो ये मेरा चैनल का एनिमेशन का जो सेफ है वो तैयार हो चुका है। अब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने गैलरी के अंदर। फॉर्मेट आपका PNG रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो PNG सिलेक्ट है। अगर आपका नहीं होगा तो PNG सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फोन के अंदर काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यूट्यूब के लिए 16:9 आपको चूज करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ब्लैक कलर को चूज़ करना है, कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ राइट साइड। उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से इसके कलर को कुछ इस तरीके से ग्रीन ले लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं इसके कलर को ग्रीन कर देता हूँ, तो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से डन करना है। तो ये बिल्कुल ग्रीन हो चुका है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ग्रीन करने के बाद आपको यहाँ से डन करना है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो आपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के अंदर एनिमेशन का सेव तैयार किया था, यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरा सब्सक्राइबर एनिमेशन का सेव था, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाके इसको सेट कर देना है। यहाँ पर इसके साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको भी आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद फिर से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने एक पहले से डाउनलोड करके रखा है,
सब्सक्राइबर एनिमेशन जो बटन होता है जिस पे सब्सक्राइब और लाइक होता है, तो उसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉपीराइट फ्री, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, क्रोमा की वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको इसको इनेबल कर देना है। तो ये इनेबल हो चुका है, अब यहाँ से आपको डन करना है। और इसको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से अपने सब्सक्राइबर एनिमेशन के अंदर ला के यहाँ पर सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर देता हूँ। तो ये मेरे सब्सक्राइबर एनिमेशन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसके साइज़ के हिसाब से, आपको सब्सक्राइबर एनिमेशन के साइज़ के हिसाब से इसको तीनों के साइज़ को आपको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे तीनों का साइज़ बराबर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो मेरा सब्सक्राइबर एनिमेशन है, आपको एक बार इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है जो मैंने पिक्सेल लैब से बनाया था। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइड अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइड अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 0.5 कर देना है। 0.5 करने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब राइट साइड में आपको आ जाना है। राइट साइड में आने के बाद आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। आउट एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको साइड डाउन को सिलेक्ट करना है और 0.5 इसको भी कर देना है। 0.5 करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका प्ले होगा, सब्सक्राइबर एनिमेशन बन के आपका रेडी हो चुका है। अगर आपका सब्सक्राइबर जो बटन है वो भी अगर नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, तो इसको भी आपको सब्सक्राइबर एनिमेशन को इन एनिमेशन आउट एनिमेशन कर देना, अदरवाइज़ ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसमें हो जाता है। पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।